हेलो फ्रेंड्स, बदस किचन में आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं बैगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो बैगन है, ये 2 प्याज है, अदरक लहसुन है और ये 2 टमाटर हैं, 4-5 आलू। इन सबको काट कर बाद में मैं दिखाती हूँ। हाँ तो चलिए अब इनको बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने बैगन काट कर ले लिए हैं और ये आलू काट लिए हैं और ये प्याज काट लिया है और टमाटर भी काट लिए हैं। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। लहसुन अदरक कर लिया है और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डालें। तेल डाल के पहले बैगन को फ्राई करना है। तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं बैगन डालकर फ्राई करूंगी। ये देखिए, बैगन फ्राई करने के बाद इसमें आलू फ्राई करूंगी। ये बैगन जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और अब इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी और उसके बाद आलू फ्राई करूँगी। बैगन भुन गए हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, उसके बाद आलू फ्राई करूँगी। अब ये आलू फ्राई कर रही हूँ, इसको भी फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लेंगे, उसके बाद मसाला डाल के तब इन्हें भून लेंगे। अब ये आलू फ्राई हो गए हैं, इन आलुओं को मैं बर्तन में निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें प्याज और टमाटर डाल के भूनूंगी। ये मैंने तेल में मेथी दाना डाल दिया है, क्योंकि बैगन थोड़ा बादी होता है इसलिए मेथी डालने से वो सही हो जाता है। मेथी दाना डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। गैस को थोड़ा हल्का कर देंगे। अब ये प्याज डालेंगे। प्याज को भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी डालेंगे और उसके बाद मसाले डालेंगे। अब ये प्याज थोड़ा भुन गया है, इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर गल जाए। टमाटर थोड़े भुन गए हैं, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये देखिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और ये थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ। ये थोड़ा धनिया है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है और ये गरम मसाला है। अब इन सबको मिला देंगे, थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें बैगन और आलू डाल देंगे। अब ये मसाला भुन गया है अच्छी तरह से, अब इसके अंदर हम डालेंगे बैगन और आलू। ये देखिए, ये बैगन डाल दिए और ये आलू भी डाल दिए। इसको थोड़ा चला देंगे और चला के थोड़ा ढक देंगे।
करीब दो तीन चार मिनट तक ढके रहेंगे, उसके बाद ये जो है पक जाएंगे तब इन्हें खोलेंगे। इसको चला के मैं इस पर ढक्कन से बंद कर दूंगी, दो तीन मिनट तक ये पकते रहेंगे, उसके बाद ये पूरी तरह पक जाएंगे। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये बैगन बनके तैयार हैं, इनको सर्व करना है। सर्व करने के लिए मैं एक बर्तन लेती हूँ। अब ये बैंगन की सब्जी मैंने इसमें सर्व कर दी है। देखिए आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।